हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें राजीव गांधी युवा उत्थान योजना के अंतर्गत एक योजना के बारे में बताया था। और उस स्कॉलरशिप के अंतर्गत तो दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की जाएगी उसका मैंने आप लोगों को विवरण दिया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जिला नारायणपुर के, और उसी के अंतर्गत यहाँ पर राजीव गांधी, ये देख सकते हैं, और जितने भी STSC या पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, तो ये राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत जो आपका प्लान है SSC, रेलवे, बैंक और व्यापम जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो नारायणपुर के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जो चाहते हैं कंपटीशन में आना और कंपटीशन की तैयारी करना, तो राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत यहाँ पर फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे फॉर्म आपको भेजना है, देख सकते हैं, 30/11/2021 के अंतर्गत आप भेज सकते हैं। और इसके लिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट इसी PDF के नीचे दिया हुआ है, आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये फॉर्म है, और इस पर काफ़ी सिंपल सा फॉर्मेट है। कैसे भरना है उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले ऊपर में देख लेते हैं हम नोटिस को प्रॉपर तरीके से। तो ये देख सकते हैं आप, राजीव युवा उत्थान योजना उत्कर्ष 2019 के अंतर्गत ये जो गवर्नमेंट के थ्रू आप जितने भी कैंडिडेट हैं जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स जैसे रेलवे है, आपके SSC है, बैंक है और व्यापम में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो उसको उस पर अगर तैयारी करना चाहते हैं उन एग्ज़ाम्स की, तो यहाँ पर नारायणपुर ज़िले पे कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन मंगाए गए हैं। नारायणपुर में परीक्षा पूर्व परीक्षण केंद्र, जो परीक्षा का केंद्र है, वो यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। और उसकी यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनका एक कॉमन एग्ज़ाम लिया जाएगा। देन उसके बाद जो कैंडिडेट पास होंगे वो चयनित अभ्यर्थियों को नारायणपुर स्थित जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र और युवा कैरियर निर्माण योजना के तहत हॉस्टल आवास दिया जाएगा। देन उसके बाद लाइब्रेरी और उनके समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सारी की सुविधा है उनको मिलने वाली है, वो भी निःशुल्क। और यहाँ पे देखेंगे कुल स्वीकृत सीटों की संख्या तो 100 है, इसमें ST के आपके 50 हैं, SC के 30 हैं और OBC के 30 हैं। महिलाओं के लिए 33% यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। और एप्लीकेशन जमा करने की लास्ट डेट देख सकते हैं 30 नवंबर है, और परीक्षा का जो दिनांक है वो अलग से जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन का फॉर्मेट को, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे है। यहाँ पर नाम लिखेंगे, सबसे पहले आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा इस फॉर्म का, और यहाँ पे आपको नाम लिखना है, देन पिता का नाम लिखना है, देन पिता का व्यवसाय, देन उसके बाद माता का नाम, फिर माता का व्यवसाय अगर है तो, और परिवार में कुल जो भूमि है उसका यहाँ पे विवरण देना है हमें। और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र स्थायी रूप से जो जारी किया जाता है उसको यहाँ पर लगाना है आपको फॉर्म भरते वक्त। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को भरने हैं, देन आधार कार्ड नंबर, देन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं तो उसका प्रमाण पत्र, और परिवार की समस्त आय का कुल स्रोत यहाँ पे भरना है। देन उसके बाद आपको पत्र व्यवहार का पता यहाँ पे भरना है, जैसे कि नगर है, ग्राम है, आपका पोस्ट है, जिला है, और यहाँ पे ईमेल IDs हैं, और आपके स्थाई पता है तो यहाँ पे विकासखंड का नाम, पोस्ट, जिला, ये सब कुछ भर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशंस, देन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है उसके लिए यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर बोर्ड का नाम या विश्वविद्यालय का, देन यहाँ पे कॉलेज का नाम, देन यहाँ पे विषय लिए गए, यहाँ पे ग्रेड, यहाँ पे उत्तीर्ण होने का वर्ष, माध्यम और रिमार्क में डाल सकते हैं आप। और देख सकते हैं दोस्तों, यही सिंपल सा फॉर्मेट था। और एक आपको आय प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा इसके साथ, और अटैच करके इसको एक आपको घोषणा पत्र के साथ आपको सबमिट करना है।
और सबमिट ये होगा आपका आदिवासी विकास नारायणपुर जिले के ऑफिस में। यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन को कलेक्ट्रेट जो आदिवासी विकास शाखा जिला नारायणपुर के कक्ष क्रमांक 9495 में आवेदन आप जमा कर सकते हैं। तो ये प्लेस दिया हुआ है, आप जाकर कर सकते हैं। डाक के माध्यम से इसमें नहीं लिखा है, तो आपको जिले में जो संबंधित कलेक्टर ऑफिस है आपके आदिवासी विकास शाखा जिला नारायणपुर के कक्ष 9495 में जमा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार।